अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेजबान सुल्तान, आप देख रहे हैं आजाद न्यूज़। प्रॉब्लम हमारा ये है कि आप मेरे को एक बात बोलिए, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड दे रहे हैं या टीआरएस पार्टी पैसे दे रही है, एमआईएम पार्टी पैसे दे रही है, मेरे को पहले आप क्लियर करो। प्रेजेंट नहीं नहीं नहीं, आप मेरे को आंसर दियो पहले, सीएम रिलीफ फंड है या टीआरएस पार्टी एमआईएम पार्टी दे रही पैसे ही है? टीआरएस के नहीं, आपका हक बनता डेमोक्रेसी में, एजिटेशन इज पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, यू नीड टू आंसर द पब्लिक, एवरीथिंग इज इन पब्लिक डोमेन। आप किसका है? रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन फंड है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, आप टीआरएस का कड़वा पेन के उन्ना अपने लोगों को दे ले रहे हैं, एमआईएम का कड़वा पेन के उन्ना अपने लोगों को दे दे रहे हैं, टीआरएस दे रही है पैसे बोल के बोल रहे हैं, एमआईएम पैसे दे रही, असदुद्दीन दे रही, दारुसलाम दे रही, बोले तो फिर हम भी बोले ना कड़वा पेन के, कांग्रेस दे रही। ये पहले आप लोगों का गलती करे, पहले मिसमैनेजमेंट आप लोगों के पास है। 550 करोड़ रुपये आप लोगों का कैश पे कहीं को दिए साहब, पूरे आपके छोटे ऑफिसरों को और पूरे बट्टेबाजों को दिए, पूरे जितने हकदार है किसको भी नहीं मिला, किसको भी नहीं मिला। कमीशन नहीं पूछ रही, कमीशन नहीं पूछ रही ना, बस 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 कमीशन पूछ रही। अरे चुनाव होता तो जीत जाओ बोलो यार। मास्क लगा लिए साहब एक बार? नहीं नहीं, आप कहीं को आपको आ जाता क्या? हमारे को नहीं आता, हम पब्लिक भेज रहे थे, COVID-19 करते थरो मिया। आपको आप लगा लिए ना मास्क, बस है, हमारे को कोविड आया तो पब्लिक के लिए हम मर जाते। अब मैं आपके ऊपर कोई तनखीद नहीं कर रहा हूँ, मगर सिंपल एक लॉजिक बता रहा हूँ। हकदार को नहीं दे रहे, ऑफिसरों के साथ आ रहे, जो टीआरएस पार्टी है उसको दे दे रही, जो एमआईएम पार्टी उसको दे दे रही, दारुसलाम से आया पैसा बोल रही, टीआरएस पार्टी का पैसा बोल रही। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ ना, ये केसीआर के बाप का पैसा है, ना असदुद्दीन के बाप का पैसा है, ये गरीब के टैक्स का पैसा है और आप पूरों को देने का है और आप नहीं दे रहे। अब आप कैसा ओके okay. अब आप मेरे को बोलिए, कमिश्नर साहब आप मेरे को बोलिए, अब इतने एरियाज में नहीं दिए, सीताराम डी क्लास, ओल्ड मल्लापल्ली, सीताराम बाग, कुर्मा बस्ती, धोबी घाट, शिवाजी नगर, रामलीला ग्राउंड, हनुमान टेम्पल, न्यू मल्लापल्ली, गटाला मस्जिद, नाला अफजल सागर के पीछे, हबीब नगर, नाला अफजल सागर के पीछे, बाजार घाट, ए बैटरी लाइन, चिंतल बस्ती, ए सी घाट, देवी बाग, अहमदनगर डिवीजन में पोचामा बस्ती, धोबी घाट, फसलान सर, आसिफ नगर में वाल्मीकि नगर, दत्तात्रेय नगर, इतने जगह पे कोई भी नहीं आया, क्या करते? पन्ना दे दो सर। तो आपके ऑफिसरों को आप देते, आप मेरे को नामा दे देते? आप इनका आपको मालूम है ना? नहीं नहीं, कोई भी नहीं आ रही। वो अली साहब है इनका कंसर्न ऑफिस। हाँ, तो अभी इलेक्शन के लिए कुछ नाइट लेट हुआ था, मैं उनको दे देता हूँ, आपको कॉन्टेक्ट कर देते। नहीं दे दो पेपर सर। आप अली साहब को लेट हुआ बोले तो हम नहीं सुनते साहब। अली साहब आप हमारे को ये कौन ऑफिस रहा है, हमारे एक एक इंचार्ज को दे दिए तो कल सुबह में ले जाके उनको दिला देते। ठीक है मैं दे देता हूं, बोलता हूं। आप दे देते? नहीं बोलते नहीं, रीजन वाइज सर दे दो सर, बोलना नहीं, गारंटी दे देना। आप एक एक मैं आपको एक बात बोल दे रहा हूँ साहब, हमारे कमिश्नर साहब ये बात बोल रहे, जो भी ऑफिस रहा है, सुनो सुनो सुनो, जो भी ऑफिस रहा है, जो भी ऑफिसर आए आपके जितने भी मैं एरिया बोला उन कल आके, कल इतवार के दिन और पीर के दिन, दो दिन में पूरों को पैसे देते बोले। और मैं यहाँ पे कमिश्नर साहब को बोल दे रहा हूँ और पूरे पुलिस वालों को बोल दे रहा हूँ, अगर से दो दिन में आप लोगों को पैसे नहीं मिले, चीफ मिनिस्टर के घर में घुस जाएंगे। एंड उसके बाद सर ठहरो जी, मैं बात करें जब कोई नहीं बात करना, और पहले बोल दे रहा पुलिस वालों को, तुम 10 केसा बुक करा दो, फिरोज खान को जेल भिजा दो, मगर मुख्यमंत्री के तो घर में घुस जाते। राइट, बस बस राइट। इपड़ मी दगर निन वस्ता कूसुंटा।